सर्वत्र च प्रतीयमानयो संसर्गिणोः संसर्ग व्यवहारस्य असंसर्गग्रह निबंधनत्वात् संसर्ग ज्ञानस्यापि हेतुतु कल्पनायां गौरवात्। कहता है पूर्व पक्षी सर्वत्र च प्रतीयमानयो संसर्गिणोः, जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय प्रतीयमानयो कह दिया, आप स्मृति वगैरह नहीं ले सकते, प्रतीयमानयो संसर्गिणोः संसर्ग व्यवहारस्य, जो संसर्ग व्यवहार है वो असंसर्ग अग्रह के कारण से भी हो सकता, इन बीचों में संबंध नहीं होता, ऐसा नहीं जानकारी है, इसलिए आप संबंध मान के व्यवहार कर देते नहीं। भूतकालीन स्मृति का विषय का वर्तमानकालीन समय इदम का संबंध नहीं है, यह हम नहीं जान रहे, इसे संसर्ग व्यवहार हो गया, इदम रहता हूँ, यह असंसर्ग अग्रह कारणक है। इति हमारा संसर्ग ज्ञान भी जरूरी है, यदि कोई कहे ये संसर्ग ज्ञान भी जरूरत पड़ जाए फिर तो भ्रम हो ही नहीं सकता किसी को, इदम रजतम। तो संसर्ग ज्ञान से आप हेतु तो कल्पनायाम गौरवात्, गौरव हो जाता है। असंसर्ग अग्रह प्रसंचित संसर्ग व्यवहार मात्र बाधनादेव बालक से बालक का उपपत्ति है, इतना ही नहीं कहता है। यदि कोई कहे फिर नेदम रजतम किसको बाध रहा है भाई, नेदम रजतम किसको बाध रहा है ये बताओ। कहते नेदम रजतम जो है असंसर्ग अग्रह के कारण जो संसर्ग व्यवहार हुआ था वो संसर्ग व्यवहार मात्र को बाधेगा, न रजत को न कुछ किसी चीज को बाध नहीं रहा है वो, न ज्ञान को बाध रहा है वो। कर्ता क्या कहते हैं संसर्ग ज्ञान से, कहते हैं असंसर्ग अग्रह प्रसंचित जो संसर्ग व्यवहार मात्र का बाध करने से बाधक ज्ञान की बाधकता भी चरितार्थ हो जाता है। इदमिति प्रत्यक्ष च दोष दूषित चक्षुर्जन्यताया जन्यतया अनाकलित विशेषस्य सामान्य मात्र ग्रहण रूपत्वात्। इदमिति प्रत्यक्ष दोष दूषित चक्षुर्जन्यतया इदम, ये जो अंश है रजतम इदम रजतम ज्ञान में, वह जो ज्ञान है वो दोष दूषित चक्षु के कारण से वह सामान्य अंश मात्र पकड़ा, विशेषांश को नहीं पकड़ा, सामान्य मात्र ग्रहण रूपत्वात्। और रजतम इति च रजतम क्या है इदम रजतम में, वह असन्निहित विशेष विशेष्य संप्रयोग लिंगाद, असन्निहित है वो विशेष है, वो सामान्य को पकड़ा है ऐसा असन्निहित विशेष को पकड़ लिया, असन्निहित का जो तत्तांश है उसको नहीं पकड़ा और केवल विशेष मात्र को पकड़ लिया और दोनों को इदम रजतम जोड़ दिया। किस आधार पर, संप्रयोग लिंगात, इंद्रिय का संप्रयोग हो गया है, वह सामने से चाकचिक के गुण सादृश्य दिखाई दिया, उस गुण सादृश्य के कारण से यह संस्कार जग गया, संस्कार जगने से असंसर्गीभूत रजत का स्मृति हो आई, उसमें भी तत्वांश को छोड़ करके रजतांश मात्र को पकड़ लिया। अब दोनों को अपेक्षा थी चक्षुद्र उपस्था में सामान्य अंश को विशेष की अपेक्षा है, असंस्कार से प्रस्थापित विशेष के लिए सामान्य की अपेक्षा है, और ये दोनों असंबद्ध इस बात का ग्रहण न होने से आप सामान्य विशेष की अपेक्षाओं को मात्र को ध्यान देते हुए जोड़ दिया, आपने इदम रजतम कर लिया, एक ज्ञानत्व प्रतीति कर, संस्कार मात्र कारणत्व स्मरणत्वात्, संस्कार मात्र कारण होने के नाते वो स्मरण रूप है। तस्य च दोष हेतुकत्वेन तत्तांश अगोचरतया, वह भी दोष ही का कारण होने के कारण से तत्तांश को अविषय न करते हुए स्वविषय अविवेचकत्वात्, स्व और स्व का जो विषय तत्तांश, स्व मने स्मृति आकार स्मृति ज्ञान है यह बात भी वो छोड़ दिया, और उस ज्ञान के विषय में जो तत्तांश थी उसको भी विवेचना विवेक में अलग नहीं किया, छोड़ दिया। तयोश्च अन्योन्य संसर्ग साकांक्ष सामान्य विशेष आलंबनियो हो, ऐसे जो है दोनों के दोनों ज्ञान कैसे हैं, अन्योन्य संसर्ग के आकांक्षा वाले हैं, ऐसे सामान्यांश विशेषांश विषय का स्वरूपतो विषयतश्च अग्रहित असंसर्गयो हो, स्वरूपता भी और विषयतश्च भी इनके संसर्ग वास्तव में हो ही नहीं सकता था, लेकिन उनको अग्रहित असंसर्ग होने के नाते निरंतर उत्पन्न यो हो, अव्यवहित उत्पन्न हो गए दोनों के दोनों। तो स्वरूपेण यथार्थयोरपि, यद्यपि स्वरूपेण दोनों ही अपने अपने में यथार्थ है फिर भी अयथार्थ व्यवहार प्रवर्तक और विभ्रमत्व प्रसिद्ध है, अयथार्थता के व्यवहार का प्रवर्तक होने के नाते उनमें अविभ्रम भ्रांति करके शब्द प्रयोग करने लग गए। इस प्रकार से हम भ्रांति स्थलों को भी यथार्थ सिद्ध कर दिए हैं,
ಅತಯವ ತದೇವಂ ಪ್ರತ್ಯಾನಾಂ ಯಥಾರ್ಥತ್ವೇನ ಯತ್ರೇ ಪ್ರತ್ಯಯ ಯಥಾರ್ಥ ಹೊನಿಗೆ ನಾತೆ ಸ್ವರೂಪತೋ ವಿಭ್ರಮತ್ವ ಭಾವಾತ್ ಸ್ವರೂಪದ ಭ್ರಾಂತಿ ನ ಹೊನಿಗೆ ಕಾರಣ ಸೇ ವಿಭ್ರಮೋಪಾದಾನಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ಇದು ಲಕ್ಷಣಂ ಅಲಕ್ಷಣಮೇವ ವಿಭ್ರಮೋಪಾದಾನ ಕಾರಣತ್ವಂ ಅಜ್ಞಾನತ್ವಂ ಜೊ ಆಪ್ನೆ ಲಕ್ಷಣ ಕಿಯಾ ಯೇ ವಾಸ್ತವೇ ಅಲಕ್ಷಣೀ ಹೇ ಅತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಸ್ಕಾ ಜವಾಬ್ ದೇಗಾ ಯಾತೆ ನನೋ ಸಂಸೃಷ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ದರ್ಶನಾತ್ ಸಂಸರ್ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕತ್ವಂ ಇತರತ್ರ ಇವ ಅನುಮೀಯತೆ ಇತ್ಯತಃ ಇದಂ ರಜತಂ ಮೇವಿ ಸಂಸೃಷ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ದೇಖನೆಗೆ ಕಾರಣ ಸೇ ಸಂಸರ್ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ಹೇ ಐಸಾ ಹಮ್ ಅನ್ಯತ್ರ ಜೈಸ ದೇಖ ರೇ ಅಯಂಘಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಜ್ಞಾನೋ ಮೇ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ವೈಸೆ ಯಾ ಭಿ ಹೇ ಮಾನ್ ಕರ್ಕೆ ಹಮ್ ಅನುಮಾನ ಕರ್ ಲೇಂಗೆ ಹೇ ನಾ ಇದಂ ರಜತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸರ್ಗ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕಂ ಹೇಗೆ ಸಂಸರ್ಗ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕಂ ಕ್ಯೂ ಸಂಸೃಷ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ದರ್ಶನಾತ್ ಅಯಂಘಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಜ್ಞಾನವತ್ ಎಂ ಅನುಮಾನ ಕರೆಂಗೆ ಇದಂ ರಜತ ಇತ್ಯಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಕೋಬಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಮಾನ್ ಲೇಂಗೆ ಅವ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು ಓ ಸಂಸರ್ಗ ಸಂಬಂಧ ಏನೋ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೈಸ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಕೈಸ ಹೋಗಾ ಈ ಸಂಸರ್ಗ ಜ್ಞಾನ ಭಿ ಕಾರಣ ಹೇ ಈ ಸಿದ್ಧ ಹೋಗಾ ಇತ್ಯತಃ ತಬ್ ಜವಾಬ್ ಉಸ್ನೆ ಕಹಾ ಕಿ ನಹೀಂ ನಹೀಂ ಯೇ ಕೋಯಿ ನಿಯಮ ನಹೀಂ ಹೇ ಸುಷುಪ್ತಿಯಾದವು ಸರ್ವತಃ ಸಂಸೃಷ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ವಾರಣಾಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನಯುರಿತ್ಯುಕ್ತ ಹಮ್ನೆ ಪಹಲೆ ಸೇ ಸಮಜತೆ ಹುವೇ ಜವಾಬ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ಹೇ ಪ್ರತೀಯಮಾನಯೋ ಕಹ ದಿಯಾ ಯೇ ಸುಷುಪ್ತಿ ಮೇ ಜೋ ಹೇ ವೋ ಪ್ರತೀಯಮಾನ ನಹೀಂ ಹೇ ಉಸ್ ಸಮಯ ಮೇ ಪ್ರತೀತಿ ಹೇ ನಹೀಂ ಅತೀತ ಔರ್ ಅನಾಗತ ಹೇ ವೋ ಭಿ ಪ್ರತೀಯಮಾನ ನಹೀಂ ಹೇ ಉನ್ ಸಮಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೋ ಗಯೇ ಓಕೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಾದೋ ಆದೋ ಮನೆ ಅತೀತ ಅನಾಗತೋ ಸಂಸೃಷ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ವಾರಣಾಯ ವಾವಿ ಸಂಸೃಷ್ಟ ವ್ಯವಹಾರತ್ವ ಅಪ್ ಹೇತು ದೇ ಸಕ್ತೆ ಥೆ ಉಸ್ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ವಾರಣ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಹಮ್ನೆ ಪ್ರತೀಯಮಾನಯೋ ಕಹ ದಿಯಾ ಹೇ ನನು ಇದಾ ವಿಪರ್ಯಯ ಸ್ಥಳ ಮಾತ್ರ ಲೋಭೇನ ಸಕಲ ಸಮೀಚೀನ ವ್ಯವಹಾರವರ್ತಿ ಸಂಸರ್ಗಜ್ಞಾನ ಜಾತ ಹೇತು ಪರಿಹರಣ ಅಲ್ಪಸ್ಯ ಹೇತೋರ್ ಬಹುಹಾತ್ವಮಿಚ್ಛನ್ ವಿಚಾರಮೂಢ ಪ್ರತಿಭಾಸಿ ಮೇತ್ವಂ ಇದು ನ್ಯಾಯಮನುಸರತಿ ಇತ್ಯತಃ ಆಪ್ ಛೋಟೆ ಸೇ ಲಾಭ ಕೆ ಲಿಯೇ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಹಾನಿ ಉಠಾನೆ ಕೋ ತಯಾರ್ ಹೋ ಐಸೆ ಮೂಢ ವಿಚಾರಹೀನ್ ಹೋ ಕರ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮೂಢ ಹೋ ಕರ್ಕೆ ಆಪ್ ಬಾತ್ ಕಹ ರೇ ಹೇ ಐಸಾ ಹಮಕೋ ಲಗ್ತಾ ಹೇ ಯೇ ನ್ಯಾಯ ಲಗ್ ಹೋ ಗ್ಯಾ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಆಪ್ನೆ ಜೊ ಹೇ ವಿಪರ್ಯ ಸ್ಥಳ ಮಾತ್ರ ಕ ಲೋಭ ಸೇ ಭ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳ ಕ ಲೋಭ ಸೇ ಸಕಲ ಸಮೀಚೀನ ವ್ಯವಹಾರ ವರ್ತಿ ಸಕಲ ಜೋ ಸಮ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ವರ್ತಿ ಮೇ ರಹನೆ ವಾಲ ಸಂಸರ್ಗಜ್ಞಾನ ಜಾತ ಹೇತು ಪರಿಹರಣ ಸಂಸರ್ಗ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣತ್ವ ಕು ಆಪ್ನೆ ಭ್ರಮಸ್ಥಳ ಮೇ ಲಗಾನೆ ಲಗೇ ವೇದಾಂತಿ ಪರಕಾರ ಏಕದೇಶಿ ಇಸ್ಲೆ ಬೋಲ್ ರೇ ವೇದಾಂತಿ ಕಹ ನೀ ಸಕ್ತ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ ಅಪ್ರೇ ಪರಿ ದೋ ಸೋಡೋ ಕೇ ಚಡಪ್ಪ ರೇ ದೋ ಏಕದೇಶಿ ಸಮಜ್ ಮನೆ ಯಾರ ಉಸ್ಕೋ ಪರಿ ಯಾರ ಬಾತ್ ಮನೆ ಏಕ ಭ್ರಮಸ್ಥಳ ಕೋ ಸಿದ್ಧ ಕರ್ನೆಕ್ಕೆ ಜಗಪ್ ಕಾರಣ ಸೇ ಆಪ್ನೆ ಅನ್ಯ ಯಥಾರ್ಥ ಮೇ ರಹನೆ ವಾಲ ಸಂಸರ್ಗ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕತ ರೂಪಿ ಹೇತು ಉಸ್ ಹೇತು ಕೋ ಯಹಾ ಲಗಾ ಕರ್ಕೆ ಏಕ ಛೋಟೆ ಸಾ ಲಾಭ ಕೆ ಲಿಯೇ ಬಡಾ ಸಾ ಹಾನಿ ಆಪ್ ಉಠಾ ರೇ ಹೇ ಏಕ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ ಮನ ಮೇ ರಖ ಕರ್ಕೆ ಕಹ ರಹಾ ಹೇ ಏಕ ದೇಶ ಕೋ ಜವಾಬ್ ದೇ ರಹಾ ಹೇ ಔರ್ ಯಾ ನ್ಯಾಯ ರಘುವಂಶ ಕೆ ಆಧಾರ ಪರ್ ಹೇ ನ್ಯಾಯ ರಘುವಂಶ ಕಾ ಹೇ ದೋ ಸೈತಾಲೀಸ್ ಮೇ ರಘುವಂಶ ಮೇ ಮಿಲೇಗಾ ಹೇ ಸಂಸರ್ಗ್ಞಾನಸ್ಯ ಪೀತಿ ನಾನು ಅಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅನಂಗೀಕಾರೆ ನೇದಂ ರಸಮಿತ ಬಾಧಕ ಬೋಧೇನ ಕಿಂ ಬಾಯಿತವ್ಯಂ ಇತ್ರ ಭಯ ಯದಿ ಆಪ್ ಅಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಕೋ ಸ್ವೀಕಾರಿ ನೀ ಕರ್ತೆ ಹೋ ಫಿರ್ ನೇದಂ ರಸ್ತಮಿ ಜೊ ಅನುಭವ ಹೋತಾ ಹೇ ಇಸ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಬಾಧ್ಯ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಯೇ ಬಾಧಕ ಹೇ ನಾ ನಿಷೇಧ ಕರಿ ರಹಾ ಹೇ ಕಿಸ್ಕೋ ಬಾಧ ರಹಾ ಹೇ ಇತಿ ತತ್ರ ತೋ ಕಹತೇ ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಗ್ರಹ ಕೆ ಕಾರಣ ಸೇ ಜೊ ಸಂಸರ್ಗ ವ್ಯವಹಾರ ಹೋ ರಹಾ ತಾ ವೋ ಸಂಸರ್ಗ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತ್ರ ಕಾ ವೋ ಬಾಧ ದೇಗಾ ನಾನು ಸರ್ವಂ ಮೇತದ್ ಇದಂ ರಜದಂ ತಪ್ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಸರ್ವಂ ಮೇತದ್ ಕೆಂತಿ ಆಪ್ನೆ ಫಿರ್ ಏಕಾಂಶ ಮೇ ಬಾಧ ಕರ್ ದಿಯಾ ನಾ ಸಂಸರ್ಗ ವ್ಯವಹಾರತಾಂಶ ಬಾಧ್ಯ ಕ್ಯಾ ಇದಂ ರಜತಂ ಇಸ್ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ಇದಂ ಥಾ ರಜತಂ ಥಾ ಆಪ್ನೆ ಕೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಯೇ ಸ್ಮೃತಿ ಹೇ ಇನ್ ದೋನೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಗ್ರಹ ರೂಪ ಕೆ ಕಾರಣ ಸೇ ಸಂಸರ್ಗ ವ್ಯವಹಾರ ಹುವಾ ಉನ್ ತೀನ್ ಮೇ ಸೇ ಆಪ್ ಸಂಸರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಕೋ ಬಾಧ ರೇ ಹೋ ಯದಿ ಹಮ್ ಕದೆ ನೀ ನೇದಂ ರಜತ ಪೂರಾ ಇದಂ ರಜತಂ ಬಾಧಿತ ಹೋಗೆ ತಪ್ ಅದೇ ಸರ್ವಂ ಮೇತದ್ ಇದಂ ರಜತಂ ಸಂಸರ್ಗ ಗ್ರಾಹಿ ಪ್ರತ್ಯವೃದ್ಧಂ ಇತಿ ಆಶಂಕ್ಯ ನೇದಂ ಏಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪಿ ಗ್ರಹಣ ಸ್ಮರಣಾತ್ಮಕಂ ಅಗ್ರೀತ ವಿವೇಕಂ ಜ್ಞಾನ ದ್ವೈಮಿತ್ಯ ನನ್ನ ವಾಸ್ತವ ಏಕ ಜ್ಞಾನ ಐನಿ ಆಪ್ ಜೊ ಕರೆ ಸರ್ವಮಿದಂ ಏಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ಯಾವ ಭ್ರಮ ಏನೀ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಏಕ ಜ್ಞಾನ ಐನಿ ವೋ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸಂಸರ್ಗಗ್ರಾಹಿ ಪ್ರತಿವೃದ್ಧಂ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಏಕ ಜ್ಞಾನ ಮಾನೋಗೆ ಸಂಸರ್ಗಗ್ರಾಹಿ ಜೊ ಅನ್ಯ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನೆ ಉಸ್ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ ಈ ಬಾತ್ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯಾ ಹೇ ದೋ ಕ್ಯಾ ಹೇ ವೋ ನೇದಂ ಏಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪಿತು ಗ್ರಹಣ ಸ್ಮರಣಾತ್ಮಕ ಗೃಹಿ ಅಗ್ರೀತ ವಿವೇಕ ಈ ಗ್ರಹಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾತ್ಮಕ
स्मृत्याद्भग है, इनका विवेक न ग्रहण करता हुआ ज्ञान द्वय को एकत्व ग्रहण किया हुआ है। इदमिति प्रत्यक्ष चैत्यादि, इसी को समझाते उसने कहा था इदमिति प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अंश के बारे में। इदमिति प्रत्यक्ष ग्रहण रूपत्वाद इति उत्तरत्रान्वय, इदम यह जो प्रत्यय है वह ग्रहण रूप होने के नाते, आगे है ना ग्रहण रूपत्वाद अंत में है ना कॉमा से पहले अगले प्रश्न हमारे सामान्य मात्र ग्रहण रूपत्वाद उसके साथ इदमिति प्रत्यक्ष जोड़ देना, अन्वय करना है। असुच ज्ञान से स्व प्रकाश से आप स्वस्य स्विशेष च इतरस्माद अविवेचकत्वस्य, यद्यपि यह ज्ञान स्वप्रकाश है, ज्ञान तो स्वप्रकाश है मीमांसक मत में, अतः स्व और स्वविषय दोनों को इतर से अलग करना चाहिए था। इतरस्माद अविवेचकत्वस्य वक्षमाणस्य अनाकलित विशेषत्वस्य, क्योंकि विवेचक क्यों नहीं बना है? क्योंकि वक्षमाणस्य अनाकलित विशेषस्य, क्योंकि यह ज्ञान अपने आप को दूसरे ज्ञान से अलग क्यों नहीं कर सका, क्योंकि यह ज्ञान के सामान्य को पकड़ा, विशेष को पकड़ा होता तो बोल देते भाई इस मेरे इस ज्ञान का विशेष ये है, उस ज्ञान का विशेष वो है, इसे अलग हो जाता। इन विशेष का न ग्रहण करने के कारण से अपने आप को उसे अलग नहीं कर पाया। सिद्ध्यर्थम दोष दूषित इत्युक्तम, तब पूछेंगे फिर विशेष क्यों नहीं ग्रहण किया इस ज्ञान ने अपने आप में, तब कहते दोष दूषित है इसलिए ग्रहण नहीं कर सका। भवत रजतम इत्यत्र का वार्ता, ठीक है इदम अंश में बात जो आपने जवाब दे होवे, लेकिन रजतम इस अंश में क्या जवाब है तुम्हारा? इति परिशेषा स्मृति रीत्या हो गदवाम, परिशेष स्मृति करके निर्णय लेते हैं उसको, कैसे परिशेष करोगे? कहते असन्निहित विशेष विशेष्य, कि सन्निहित में तो है नहीं, सन्निहित में तो शुक्ति है, रजत तो है नहीं, ये तो क्या दूंगा वहां परिशेष अनुमान में? संप्रयोग लिंगादि अजन्यतया संस्कार मात्र कारणत्वेन, संप्रयोग से अजन्य, लिंगादि से अजन्य, संप्रयोग मने इंद्रिय संबंध से अजन्य, लिंग मने अनुमान से अजन्य, आदि कह दिया सादृश ज्ञान से भी अजन्य, शब्द ज्ञान से अजन्य, सभी में लेना है। उसी को देखिए टीकाकार कहते असन्निहितत्वेन असंप्रयोगाद अप्रत्यक्षत्वम, असन्निहित होने के नाते इंद्रिय संप्रयोग हो नहीं सकता था इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है वो, और अगृहित व्याप्तिगत्व कहीं लिंग ग्रहण हुआ नहीं, व्याप्ति ग्रहण नहीं है, अतः अनुमेयत्व अस्य असंभवी, उसमें अनुमेयत्व नहीं हो सकता। अननुभूत रजत से प्रत्युन्नोत्पद्यते, और अननुभूत रजत का प्रत्युत्पन्न तो हो नहीं सकता था, लेकिन प्रत्युत्पन्न हुआ है इसलिए आपको मानना पड़ा अन्यत्र अनुभूत की स्मृति है। तस्माद् सदृश दर्शन समुद्भुद्ध संस्कार से संजायमाना एषा स्मृतिरेव इति भावः, इसलिए सादृश्य दर्शन के कारण से समुद्बुद्ध हो गया जो संस्कार है वो संस्कार से उत्पन्न होने वाली यह स्मृति ही है मानना पड़ेगा। इन सारे बातों को मन में रखते हुए कहा तदुक्तम परिशेषा स्मृति रेशा इति निश्चयो जायते अंततः इति, प्रण पंचिका नैवीति का 32वीं कारिका है 32। ननु स्मृतिर गृहित ग्रहण स्वभावाया तद विपरीतात् ग्रहणात् गृह्यमाणात् च गव्याद् स्मृतिवत् स्वार्थस्य स्वस्य च किमिति न विवेचकत्वम् इति तत्र आत्मसचैति, दोषहेतुकत्वेन तत्तांश का विषय नहीं बन पाया, तत्तांश विषय नहीं बन पा रहा। कहता है देखो गृहित ग्रहण स्वभाव है, मतलब गृहित को जो ग्रहण करता है ना उसमें गृहित का ही जब ग्रहण कर रहा है किस अंश को छूट कैसे जाएगा? पूर्व का ही तो ग्रहण है, संस्कार पूरे को पूरे याद दिलाना चाहिए ना, पूरे संस्कार जगह है तो पूरा ही ज्ञान आना चाहिए, आधा वधा कैसे आ गया ये पूछ रहा है। ग्रहणाद गृहमाणाच गव्यादि स्मृतिवत, जैसे गव्यादि स्मृति होती पूर्ण रूप में ही होता है तो यहाँ भी होना चाहिए हैं, खत्म न गृहणाती अविवेचकत्व, क्यों इसमें अविवेचकता है? तब दुष्ट मनोयोगित्वात् हेतु दे दिया, दुष्ट मनोयोगित्वात् दूषित मन ने यहाँ पर, इसी कारण से उसको पूरे संस्कार जागृत नहीं हो पाया। तद्देश काल वैशिष्ट्य न गृहणाति, तद्देश और तत्काल रूप में वैशिष्ट्य को छोड़ करके विशेषांश रजत मात्र को पकड़ा कि अविवेचकत्व इत्यर्थ, यही यहाँ अविवेचकत्व है। तथापि कथम स्वरूपतो विशेषतश्च विभिन्नाभ्याम आभ्याम संसृष्ट प्रवृत्ति ही, फिर भी स्वरूपता और विशेषता एक प्रत्यक्ष एक स्मृति है, दोनों अत्यंत भिन्न है, इनमें संसृष्ट प्रवृत्ति कैसे हो गई?
ये पूजा उसे तयोश्च अन्योन्य संसर्ग साकांक्षा, उन दोनों में एक में सामान्य है उसका विशेष की आकांक्षा है, विशेष को सामान्य की आकांक्षा थी, परस्पर आकांक्षा के कारण से झटित आपस में मिल गए, एक ही भूत हो गए, एक हो जाती झटित। ये जो है ना लड़ाई करते पति पत्नी, और पति के चलना जब चार लोग आए पति के पिटने लगे तो पत्नी एकदम बदल जाए, चुप मेरा पति है तुम है को कर रहा जो पीट रहा, बदल तुरंत एक हो जाते हैं वो दोनों, लड़ते रहेंगे लेकिन तीसरा आ जाएगा बीच में तो दोनों एक हो जाएंगे झट। ऐसे यहाँ कोई दूसरा कुछ बोल नहीं था, ये स्मृति प्रत्यक्ष है, ये दूसरे का आकांक्षा रहती ही है, चाहे किसी कारण वैसे भी वो अलग है लेकिन एक हो जाते झट, दोष के कारण से ही यहाँ एक भी हुए हैं कहेंगे। तथापि कथम स्वरूप इत्यादि से कहा जवाब दिया सामान्य विशेष इदमिति सामान्य मात्रम रजता करो विशेष, इदम को विशेष की आकांक्षा थी और रजत को सामान्य की आकांक्षा थी, नानु इदम ज्ञानम इदम इदमी प्रवर्तयतु रजत ज्ञानम च रजते, इदम यह अंश हमें इदम में प्रवृत्त कराना चाहिए और रजतांश मुझे रजत की स्मृति के कारण से रजत में जाकर प्रवृत्त कराना चाहिए था, तो सामने हम क्यों भाग रहे रजत के लिए। एक देशी पूछता है इदम रजतम ज्ञान के बाद में शुक्ति देश की ओर हम क्यों भाग रहे हैं, इदमांश के कारण से हमको शुक्ति में जाना चाहिए शुक्ति देश में, और रजतांश तुमने कहा स्मृति है अन्यत्र कहीं का अनुभव का स्मृति थी तो उसको जहाँ का अनुभव तो वहाँ जाना चाहिए ना रजत को पाने के लिए, सामने क्यों जा रहा है वो। ये कह रहे हैं ये रजत ज्ञान जो रजत ही प्रवृत्ति है तू कि मुझे रजतार्थी न पूर्ववर्ती प्रवृत्ति तथा तो स्वरूपतो विषयतश्च, तुमने कहा स्वरूपतः विषयतश्च दोनों ही प्रकार से भले ही वो अलग है लेकिन हाँ विप्रमित प्रसिद्धि हो गई है उनमें, क्यों अयथार्थ व्यवहार के प्रवर्तकत्व आ गया उसने, ऐसे क्यों हुआ अग्रित असंसर्गयोर निरंतरोत्पन्न यो हो कर निरंतरता मुख्य कारण स्वरूप सदैत किम इदम एकैकम व्यवहार हेतु उत मिलितम, उसे पूछेंगे एक एक अलग अलग व्यवहार का कारण बन रहा है या दोनों मिलके बन रहा है, अरे नाद्य पृथक प्रदेश प्रवृत्ति प्रसंग जो तुम्हें दोष दिया वही हो जाएगा, पृथक प्रदेश प्रवृत्ति होना चाहिए अलग अलग, चाहे न द्वितीय द्वितीय भी नहीं हो सकता मिलित करके भी नहीं, क्षणिक ज्ञान और मिलन नहीं होगा, क्षणिक ज्ञान में एक दूसरे का मिलना संभव नहीं है, मिलने का मतलब क्या निरंतरता का मतलब क्या अव्यवहित पूर्वोत्तर काल में हो जाना, इतिताह निरंतरोत्पन्न और यदि यद्यपि मेलनम न संभव थी यद्यपि मेलन भी संभव नहीं था तथापि निरंतरीयन उत्पत्ति रेव तथा विधि प्रवृत्ति हेतु इत्यर्थ, निरंतरतापूर्वक जो प्रवृत्ति है वही इसके प्रति कारण है समझ लो, वही इसके प्रति कारण है, यद्यपि मेलन न संभव थी तथापि निरंतरीयन उत्पत्ति रेव तथा विधि प्रवृत्ति हेतु, निरंतरीण उत्पत्ति जो है अव्यवहित उत्पत्ति जो होती है एक क्षण क्षणिक हम ही मान रहे हैं, नैयायिक मानता है वैश्विक मानता है मीमांसक भी सभी कहते त्रिक्षण अवस्था है ज्ञान है, यदि एक के बाद हो रहा है ना व्यवहित उत्पन्न हो तो संबंध नहीं हो सकता, अव्यवहित उत्पन्न हो तो संबंध हो सकता है, तथा प्रवृत्ति हेतु इत्यर्थ विनश्य अविनश्यतो स अवस्थान व निरंतर ये निवक्षितम आगे ना, एक तो विनाश को प्राप्त होना है दूसरा अभी उत्पन्न होने के कारण सभी अविनाश अवस्था में स्थिति अवस्था में है, विनश्य अविनश्यतो स अवस्थान व निरंतर निवक्षितम, यथार्थ ज्ञान अभी विभ्रमत्व है सर्वेशा में किमिति न विभ्रमत्व सिद्धि, यदि अर्थार्थ ज्ञान भी इस प्रकार से विभ्रम होने लग जाए फिर सारे ज्ञान विभ्रम हो जाएगा, यदि तद अनुपत्ति रेव विपरीय प्रमाण मिथ्या, यह अनुपत्ति ही विपरीय में प्रमाण दे रहे सबको यथार्थी मान लो कोई भ्रम नहीं, यत्किंचित यथार्थ भ्रम का व्यवहार होने मात्र से सकल भ्रम नहीं हो सकता, इसीलिए सकल यथार्थ भी नहीं हो सकता, वेदांत के बाद में कहेंगे विपरीय में हम भ्रम देंगे है ना, वो इतना ही सब यथार्थी होगा, इसलिए कि यह केवल एक दोष था अग्रित असंसर्ग के कारण से भ्रम व्यवहार हुआ, जब अग्रित संसर्ग हो जाएगा तो अपने व्यवहार खत्म हो जाएगा, तदनपत्र विपरीय प्रमाण मिथ्यता स्वरूपेण तब से स्वरूपेण यथार्थी और अयथार्थ व्यवहार मात्र हो गया, तदुक्तम नैवित्याम इसको 41 42 43 तीन श्लोकों में कहा है, सन्निहित रजत शकले रजतमतिर्भवति यादृशी सत्याम भेदानध्यवसायात यमपि ताद्रिक परिस्फुरति साधारणम ही रूपम तस्याश्चास्याश्च विद्यते तेन,
தன்மாத்திர பிரதிபானாத் சமானதாம் இவ மன்யந்தே தத்துல்ய விவகார பிரவருத்தி ரபியுஜதே சாத்தஹ தத் விநிவாரண காரண பாதக பாவயம் பாதக சியாபி. சந்நீத ரஜத சகலே ரஜதமதிர் பவதி யாதிருஷி. சந்நிஹித ரஜத் கே டுக்குடே மே ஜேசா யதார்த்த ரஜத ஜான் ஹோதா ஹை உசீ பிரகார் யாதிருஷி சத்யா பவதி. ஜிஸ் பிரகார் வஹ ஜான் சத்யா ஹை உசீ பிரகார் ஸே பேத அனத்யவசாயாய். பேத கா அத்யவசாய நஹீ ஹுவா, யே சுக்தி ஹை ரஜத் நஹீ ஹை, ரஜத் அலக் ஹை சுக்தி அலக் ஹை. யே பேத கா நிஷ்சய நா ஹோனே ஸே இயம் அபி, இயம் மன யே ஜோ இதம் ரஸ்தம் இத்யாகார ப்ரதீதி ஹை, யஹ பி தாத்ரிக் மனே சத்யா ஏவ பரிஸ்புரதி, சத்ய பாசித் ஹோதா ஹை. சாதாரண விருப்பம் தஸ்யாஸ்யாஸ்ய வித்யதே, கி தோனோ மே பிரத்யத் ரூப ஏக் சாதாரண ஒரு வித்யமான். ரஜ சகல் மே ஜோ இதம் ரஸ்தம் ஹோ ரஹா ஹை ஆர் சுக்தி மே ஜோ இதம் ரஸ்தம் ஹோ ரஹா ஹை, தோனோ மே பிரத்யத் ரூப ஏக் சாதாரண தர்ம வித்யமான ஹை. தேனா தன்மாத்ர ப்ரதிபானாத் சமானதாம் ஏவ மன்யந்தே. से ज्ञान आकार में कोई फर्क नहीं है, इदम और रजतम दो अंश है, उसका संसर्ग भी है, इनमें कहीं अंतर नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम ऐसा मानते हैं. तल तुल्य व्यवहार प्रवृत्ति रूपते, से रजत तुल्य व्यवहार भी है, रजत रजतार्थ होकर रजत के लिए प्रवृत्ति भी समान दिख रहा है. अतः तद विनिवारण कारण बाधक भावो, इसलिए एतारस जो ब्रह्म व्यवहार का कारणीभूत असंसर्ग अग्रहण थी, भेद का अनध्यवसाय था, और अब ने क्या किया, भेद का अनध्यवसाय कोई यह पाद ज्ञान ने बाध दिया और भेद ग्रहण करा दिया, तो प्रवृत्ति खत्म हो जाती है. बाध का स्यापी बाध का भाव अयम, यही बाधक का बाधक भाव है, अतिरिक्त कुछ नहीं है. वृत्तवाय संसय संगति गर्भम पूर्व पक्षम उपसंहरति, संपूर्ण वृत्तवाद का संगति को मन में रखते हुए गर्भित तो एक पूर्व पक्ष का जो उपसंहार वाक्य के रूप में प्रयोग कर दिया, तदेव प्रत्यानाम यथार्थत्वेन सर्वतो विभ्रमत्व भावात विभ्रमोपानम अज्ञानम इत्यादि नहीं हो सकता है, आपका लक्षण ही अलक्षण है कह दिया. प्रत्यानाम इत्यादि ना एतेन पीतसंग इत्यादि प्रत्यापि व्याख्याता, इदम रस्तम के समान अयम सर्प अलग से बोलने की जरूरत नहीं, पीतसंग अलग से बोलने की जरूरत नहीं, ये सब व्याख्यात हो गए. तेषो ग्रहण अविवेक समाश्रयणात, वहाँ पर भी संसर्ग ग्रहण का अविवेक ही सम्यक प्रकार से आश्रित किया गया हेतु रूपेण. एवमेव स्वप्न संशयोश्च स्मरण अविवेकत्वमिति, स्वप्न और संशय में भी क्या है, स्मरण का ही अविवेक हो गया है. सर्वत्र संसर्ग अविवेक है या स्मरण अविवेक से ही सकल जगह ब्रह्म व्यवहार होता है, वास्तव सब ज्ञान यथार्थी है, ये उनका मत में सिद्ध हुआ. तब जवाब सिद्धांत यात्रोचित है, नहीं तत्सारम, ये तत्सारम ना आपका प्रभाकर अख्यातिवादी के जो विचार है ये ठीक नहीं है, इसे कोई दम नहीं है. क्यों जी, यथा क्योंकि जो है सच्चाई तो यह है, देखिए सुनिए. स्वीकार विभ्रमाणाम स्यात् स्वीय सिद्धांत बाधना अनभ्युपगमे तेषां आश्रया सिद्धिरुद्धता, क्योंकि आपने ब्रह्म व्यवहार मान लिया और ब्रह्म व्यवहार के पीछे है ना असंसर्ग के अग्रहण कारण के ब्रह्म ज्ञान भी आपने एक तरह से मान लिया, और यदि आपने मान लिया तो सर्वे प्रत्यय यथार्थ ये सिद्धांत बाध हो जाएगा. यदि नहीं मानोगे जो आपने अनुमान किया, इदम रसवित्य ब्रह्म ज्ञानम यथार्थम प्रत्यत्वात अंगठित ज्ञानवत, यह अनुमान में आसर सिद्धि हेतु हो गया. वही करे स्वीकारे विभ्रमाणाम स्यात् स्वीय सिद्धांत बाधना, आपने सिद्धांत का बाधना रूपी दोष आ जाएगा. और स्वीकार नहीं करो आरोपी को माने तेषाम आश्रय सिद्धि, आप ही के मत में आश्रय सिद्धि दोष है, प्रत्यत्रुप हेतु उसमें नहीं रहेगा. ये पक्ष में ही पक्षताच्छेद का भाव हो गया, पक्षताच्छेद के भ्रम भ्रमत्व उसी का भाव हो गया. जब आश्रय आश्रय सिद्धि उसे होते पक्षतावच्छेद का भाव का नाम ही तारस पक्षों को स्वीकार करना, यह आश्रय सिद्धि दोष है, वो आ जाएगा. यथा गगन अरविंदम सुरभि अरविंदत्वात् स्थलारविंदवत् विहित विभ्रम अभिगमे सिद्धांत विरोधात्, यदि विहित में विवादास्पद भ्रम को आपने पक्ष रूप में स्वीकार जो करोगे तो सिद्धांत का विरोध हो जाएगा सबसे पहली बात. और स्वीकार नहीं करोगे अनुपयुग में
हेतु और आश्रय सिद्धे है अनुमान अनुदयात, हेतु के अंदर आश्रय सिद्ध दोष हो जाता है तो अनुमान कहीं उदय नहीं होगा तुम्हारे मत में। तब पूर्व पक्ष कहता है यथार्थवार हेतु और ज्ञान से पक्षीकरणात्, यथार्थवार कारणीभूत ज्ञान हम करेंगे, हम ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान विवाद है, ब्रह्म ज्ञान हम पक्ष नहीं बनाएंगे, हम कहे यथार्थवार का कारणीभूत है जो यथार्थ ज्ञान, वो यथार्थ है ऐसा कहेंगे। पक्षीकरणाद दोष चिन्ह यथार्थस्या ईश्वर ज्ञान से सर्वार हेतु यथार्थवार प्रतिहेतुतया तथा तारक गण सिद्ध साधरत्वात्, तब नहीं आए सिद्धांत दोष आ जाएगा, क्योंकि जो है उनके मत में क्या सकल कार्य के प्रति ईश्वर ज्ञान कारण है, इसलिए आपने यथार्थवार का कारणीभूत ज्ञान तब कहेंगे ईश्वर ज्ञान, आप इधम रस्तम नहीं लेंगे हम। और ईश्वर ज्ञान के तर्क सिद्ध है उसमें आप यथार्थ सिद्ध कर दिए प्रत्यक्ष हेतु को लेकर के, कौन सा बड़ा बात हो, तो दूसरों सिद्ध बात को आपने सिद्ध कर दिया है। यथार्थस्यापि ईश्वर ज्ञानस्य कैसा है सर्वार हेतु हो सकल कार्य के प्रति कारण होने से अयथार्थ व्यवहारम प्रति विकारण प्रति हेतुतया तत्र उस विषय में मैंने ईश्वरीय ज्ञान में तार्किकाणां सिद्ध साधनत्वात् इदम रजतम इत्यत्रापि इदम अंश विषयस्य वृत्तिज्ञानस्य अयथार्थवार हेतुरपि अधिष्ठान विषयस्य वेदांतिविर यथार्थत्वंगीकारात्। और हमारे में भी पक्षैकांश में जो है दोष आ जाएगा, भागा सिद्धि आ जाएगी, सिद्धांता एक भाग में सिद्धांता दोष हो जाएगा। किस अंश में इदम रजतम इत्यत्रापि इदम विषय अंश विषयस्य इदम इत्याकार जो ज्ञान का जो अंश का विषय है वह क्या है वृत्ति ज्ञानस्य, वो वृत्ति ज्ञान का विषय बन रहा है। इसलिए अयथार्थवार कारण होते हुए भी अयथार्थवार के कारण होते हुए भी अधिष्ठान विषयस्य अधिष्ठान है वही भ्रांति के, उस विषय के अंदर वेदांतियों के द्वारा यथार्थत्व स्वीकार किया गया है। तब कहो भाई इसमें नहीं जाए सब ज्ञान तुम विशेषण देंगे, ज्ञानत्व यथार्थ मात्र वृत्ति ज्ञान मात्र वृत्तित्वात् प्रमात्व ऐसा अनुमान करो, हटाओ ब्रह्म ज्ञान वगैरह सब को, ज्ञानत्वान सर्वसामान्य बनाओ, यथार्थ मात्र वृत्ति यथार्थ मात्र में रहने वाला धर्म है वो ज्ञानत्व, ज्ञान मात्र वृत्तित्वात् सकल ज्ञान में होने रहने वाला होने से प्रमात्व दिति ऐसा विवक्षित विधि चेत, ये हमारे विवक्षित पक्ष ज्ञानत्व सामान्य एवं ऐसा नहीं कह सकते। भावी मात्र शब्द का क्या करोगे भाई साध्य में, यथार्थ मात्र वृत्ति अपने कहा मात्र शब्द कर दे, मात्र शब्द न अयथार्थ व्यवहार ज्ञानत्व से वृत्ति भाव न सिद्ध साधनत्वात्, कि मात्र शब्द के द्वारा आपने जो लिया यथार्थ मात्र मैंने अयथार्थ में रहने वाला नहीं, साध्य को अवधिकरण कौन हो जाएगा अयथार्थ व्यवहार का कारण भी तो ज्ञान में चला जाएगा आपका साध्य, वह यथार्थ मात्र नहीं है ना वो, इसे कहते हैं आप व्यभिचार हो गए हेतु। मात्र शब्द है ना अयथार्थ व्यवहार है ज्ञानत्व से वृत्ति भाव है ना, अयथार्थ व्यवहार में ज्ञानत्व का वृत्ति भाव मानोगे तो सिद्ध साधन दोष हो जाएगा, कि अयथार्थ व्यवहार में ज्ञानत्व नहीं रहेगा, अयथार्थ व्यवहार में ज्ञानत्व नहीं रहेगा ना, कि ये जो ज्ञान यथार्थ मात्र वृत्ति यथार्थ मात्र वृत्ति जो है यथार्थ मात्र वृत्ति का मतलब क्या होगा अयथार्थ में आवृत्ति, और अयथार्थ में आवृत्ति कहोगे आप कौन सी अयथार्थ में आवृत्ति, अयथार्थ ज्ञान में क्या अयथार्थ व्यवहार में कहाँ लोगे आप। तब इन्होंने कहा मात्र शब्द अयथार्थ व्यवहार में, क्योंकि आप अयथार्थ ज्ञान को भी यथार्थ सिद्ध करने जा रहे हैं उसको हम छोड़ ही देते हैं, लो व्यवहार में, व्यवहार में ज्ञान उतरेगा क्या नहीं है, तो ज्ञान तस्य वृत्ति भाव है ना शांत दोष हो गया, किसी कोई भी व्यवहार में ज्ञान तो मानते नहीं है और उसी को आपने विषिद्ध कर दिया सजा दोष आ गया। इतना ही नहीं अयथार्थ वृत्तित्व अत्यंत अभाव अनधिकरण अत्यंत अभाव अधिकरण तो यथार्थ वृत्तित्व अनधिकरण को या अत्यंत अभाव अधिकरण तुम कहो ये लोगे विवक्षित मिति चेत मात्र से विवक्षित हो रहा है हमारा अयथार्थ वृत्तित्व का अत्यंत अभाव कहाँ अधिकरण ले तो व्यवहार में भी नहीं जा सकते अयथार्थ तो व्यवहार में अयथार्थ व्यवहार में अयथार्थ तो रहेगा उसको ले नहीं सकते आप अभी तो दोष नहीं रहेगा। ऐसा कहोगे चिन्ह दुष्ट सामग्री अप्रसूत मात्र वृत्तित्व से तत्र उपादेय है
क्योंकि आयतार्थ व्यवहार कहाँ होता है, कि आयतार्थ ज्ञान कब होता है, जब आपने ये कहा दोष दूषित हो रहा है, दुष्ट सामग्री प्रसूत है, वहाँ यथार्थ तो रहता है। इसलिए हम यहाँ आपके इस हेतु में हम ज्ञान मत वृत्तित्व हेतु में ये उपाय देंगे, दुष्ट सामग्री प्रसूत अप्रसूत वृत्ति, दुष्ट सामग्रियों से अनुत्पन्न वृत्तित्व कह दूंगा, और साध्य अवगत साधना व्यापक बन जाएगा। देखिए कैसे, यत्र यथार्थ मात्र वृत्तित्व, जहाँ जहाँ यथार्थ मात्र वृत्तित्व रहेगा अयंगठ इत्यादि ज्ञानों में, वहाँ वहाँ पर दुष्ट सामग्री अप्रसूत मात्र वृत्तित्व रहेगा। यानी भाई अंगठा जितने भी ज्ञान है वह यथार्थ मात्र वृत्ति है वहाँ, और वहाँ पर दुष्ट सामग्री अप्रसूत वृत्तित्व भी है वहाँ पर। इस साध्य साध्य व्यापकता दृष्टांत स्थल भूत आपके जितने वहाँ घट जाएगा। अब ये साधन अपने कहा ज्ञान मात्र वृत्तित्वात्, ये जो है इदम रस्तम ज्ञान में भी है, लेकिन वहां दुष्ट सामग्री अप्रसूत वृत्तित्व नहीं है, साधन का व्यापकत्व। तो इसलिए ये उपाधि हम दे देंगे, तो यह हम ये बात सारी बातें इनके जो मीमांसक खंडन न्याय लीलावती में किया हुआ है उसी के आधार पर इन्होंने भी कह दिया, वहीं की बात कह रहे, अपनी बात नहीं यहाँ जो कह रहे हैं, मीमांसकों का न्याय से बढ़ा के जवाब दे दिया। न्याय लीलावती पृष्ठ संख्या 439 में सारी पंक्ति है, यहाँ तक की टीका देख लो। सिद्धांत यति नहीं तो सारम इत्यादि ना, सिद्धांत कर रहे हैं, श्लोकम विवृणोति विहितेति ननो उभय सम्मत अयथार्थ व्यवहारे हेतु ज्ञान मात्र पक्षीकरणाद उभय परिहार यदि गंगापुरी मतम संगत है। कोई गंगापुरी टीकाकार हुए हैं, उन्होंने अपना मत अभिव्यक्त किया था, उसको लेकर उन्होंने शंका उठाया था अर्थित इत्यादि से, व्यवहार को लेकर अयथार्थ व्यवहार हेतु ज्ञान से पक्षीकरणात्, अयथार्थ व्यवहार हेतु ज्ञान मात्र पक्षीकरण, व्यवहार का कारण ही उनका ज्ञान है, मैंने जितने भी इदम रजतम अयम सर्प इत्यादि कोई लेना पड़ेगा पीत संघ इत्यादि उतने मात्र को लूंगा मैं, तो ईश्वर ज्ञान नहीं आएगा ना, फिर उसे अलग हो जाएंगे। यदि गंगापुरी मतम संगत यथार्थ यदि अयथार्थ व्यवहार हेतु यथार्थत्व साधने तार्किकाणाम तावत ईश्वर ज्ञानम आदय अर्थांत दूषयति, तब जो तार्किकों के मत में ऐसे शांत दोष आ जाएगा, उनके मत में क्या चाहे यथार्थ हो चाहे यथार्थ हो, ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, कोई भी व्यवहार हो, सकल व्यवहार के प्रति ईश्वर ज्ञान को कारण मान बैठे हुए हैं, वहाँ लक्षण चला जाएगा आपका। इसलिए यथार्थ व्यवहार है तो यथार्थत्व साधने यथार्थ व्यवहार का कारणीभूत आ जो ज्ञान है उसमें यथार्थ करने चलोगे तो तार्किकाणाम तावत ईश्वर ज्ञानम आदय, तार्किकों की दृष्टिकोण विद्यमान ईश्वर ज्ञान जो यथार्थ सदा के नित्य यथार्थ है वो तो उसमें लक्षण आपका चला गया, अर्थांतर तो दोष है सिद्धांत दोष है इति दूषयति न इत्यादि न यथार्थस्यापीति ईश्वर ज्ञान से इत्यादि भवतु तान प्रति त्वां प्रति तो किम आया था। यदि मीमांसक है ठीक है उनके प्रति, हम उनको अपने जवाब जो देना होगा वहाँ देखेंगे, लेकिन आपके प्रति तो ठीक हो ना, मैं कोई गड़बड़ी तो है नहीं, कहते नहीं हमारे प्रति भी गड़बड़ी है, हमारे प्रति में क्या होगा इदम रजतम की इदम अंश में यथार्थ हमारा स्वीकार है उसी से शांत हो जाएगी। अयम अर्थ इदम रजतम इत्यत्र इदमिति अंतकरण परिणाम प्रत्यक्ष रजतम तो रजत संस्कार रंजित इदम अंशावच्छिन्न आत्मा अविद्या परिणाम अतीत में रजत कैसा हुआ, रजत रूप संस्कार से अनुरंजित हुआ, इदमशावचन जो चैतन्य इदमशावचन जो चैतन्य का आवरणी भूता जो विद्या तुला विद्या उसका परिणाम है वो रजत, और इदम तो प्रत्यक्ष है, तयोर एक साक्षी वेद्यत्व ना, और दोनों एक साक्षी वेद्य होने से एक ज्ञान हो गया, मिल गए दोनों के दोनों, एक फलत्वाद एक ज्ञानत्व इति सिद्धांत, एक फल विरुद्ध फल व्याप्ति बनेगा अतः उसका एक ही ज्ञान करके हमारा सिद्धांत है। ततश्च इदम अंश ज्ञाने सिद्ध साधनम इति इदम अंश ज्ञान यथार्थ रूप से सिद्धांत दोष आ गया, अन्यथा ख्यातिवादिनाम भी इदम अंश ज्ञाने समानम एतद् त्रेणी न्यायिकों के मत में भी अन्यथा ख्यातिवादियों के मत में भी क्या है इदम अंश उनमें भी यथार्थ है, पूर्ववर्ती में तो हुआ तद्वति तत्प्रकार ज्ञान हुआ है ये उनका लक्षण ही है, अतद्वती तत्प्रकार के ज्ञान हो यथार्थ ज्ञान हो, इसलिए कहते उनके मत में भी चला जा रहा है इदमांश में तो सर्वम ज्ञानम धर्मी अभ्रांतम प्रकारे तो विपर्य इति न्याय समस्त ज्ञान हमेशा
धर्मी में अभ्रांत है, उनके मत में क्या है, प्रकार में ही भ्रांति होती है। तद्वती तत्प्रकार गणवो यथार्थ, तद अभावती तत्प्रकार गणवो यथार्थ, उन्हें प्रकार में गड़बड़ा रहा है ना, इसलिए कहते हैं कि भाई देखो उनके मत में स्पष्ट ही है, धर्मी ज्ञान के मामले में कहीं भी भ्रांति वो नहीं मानते। प्रकार न्यायात धर्मी प्रयुक्त दूषण परिहाराय रित्यंतरम वा, इस तरह से धर्मी को लेकर के किया हुआ जो दूषण है उसको निवारण करने के लिए दूसरे रास्ता निकालता है। ज्ञानत्वम इति एक अलग अनुमान कर दिया, ज्ञानत्वम यथार्थ ज्ञान मात्र वृत्ति, ज्ञान मात्र वृत्तित्वात् प्रमात्वद्दो, ऐसे उसने अनुमान किया है। यथार्थ वृत्तित्व मात्र साधने, यथार्थ वृत्तित्व इतना ही साध्य रक्त, यथार्थ मात्र वृत्ति क्यों का उस पर प्रतिकृति कर रहे पहले, यथार्थ वृत्तित्व मात्र साधने सिद्धांत तदर्थम मातृग्रहणम, उसको सिद्धांत दोष निवारण करने के लिए यहाँ पर मात्र कह दिया गया। तथा ज्ञान वृत्तित्व इत्युक्ते सत्तायाम अनेकांतिकता, आगे भी इस हेतु में भी ज्ञान मात्र वृत्तित्व क्यों का, ज्ञान वृत्तित्व कह देते वहाँ भी मात्र शब्द जो दिया उसका विचार कर रहे हैं। सत्तायाम अनेकांतिकत्वम ज्ञान वृत्तित्व कह देंगे सत्ता में चला जाएगा, ज्ञानिष्ठ और वृत्तित्व तो वहाँ भी जाएगा कि जाति जो है ज्ञान में भी है, इसलिए वहाँ निवृत्ति करने के लिए मात्र कह दिया। और सत्ता ज्ञान मात्र में थोड़ी रही, अन्य गुणों में भी है, द्रव्य में भी है, कर्म में भी है। अयथार्थ व्यवहार अपनी तस्या वृत्त है तनिवृत्त्यर्थम मात्र ग्रहणाम, अयथार्थ व्यवहार में भी सत्ता तो रहती है इस उसमें अत्यंत निवृत्त करने के लिए मातृ शब्द दे दिया गया है। अत्र मातृ शब्द है ना किम अयथार्थ वृत्तित्व अभाव मात्र विवक्षित है किम वा अयथार्थ वृत्तित्व अनधिकरणत्वम, है ना, विकल्प उठाएंगे मात्र के कारण, दोनों में दोष दे देंगे। मातृ शब्द से क्या लेना चाहते हैं, अयथार्थ वृत्तित्व भाव, अयथार्थ में वृत्तित्व भाव अथवा अयथार्थ वृत्तित्व अनधिकरण, अयथार्थ यादृशी वृत्तित्व है तार्श वृत्तित्व का अनधिकरण है, ऐसे कहना चाहते हो आप, तब कहते हैं अच्छा प्रथम प्रत्यामैव मात्र शब्द नैतार्थ व्यवहार ज्ञानत्व सिद्ध वृत्त भाव न सिद्ध साधनत्वात् मैवामिति, मात्र शब्द न अयथार्थो ही व्यवहार तवापि सम्मतः, अयथार्थवार तो आप भी मानती हो मीमांसक भी, तत्र च ज्ञानत्व से अवृत्तित्व अस्ति, और उस व्यवहार में ज्ञानत्व की अवृत्तित्व है इति अर्थांतर इत्यर्थ। और ज्ञानत्व अनुभव मात्र वृत्ति, ज्ञानत्व क्या है अनुभव मात्र वृत्ति है, ज्ञान मात्र वृत्तित्वाद इति आभास समान योग क्षमता, ऐसे यदि कह को शब्द बदल दिया केला पर ज्ञानतम यथार्थ मात्र वृत्ति न कह करके अनुभव मात्र वृत्ति कह दो ताकि व्यवहार में गड़बड़ी ना हो, तब कहते ऐसी बात नहीं है तब भी आप फंस रहे हो, क्यों वो आभास समानता का ही योग क्षमता को प्राप्त कर जाएगा। ज्ञान मात्र वृत्तित्व अनुभव मात्र वृत्तित्व कहो बात एक ही है, या आपने यथार्थ मात्र वृत्तित्व कहो बात वही है, अंतर कुछ भी नहीं है, अनुभव ज्ञान और यथार्थ शब्द देने से अंतर नहीं पड़ता है, तीनों से लक्षित वस्तु एक। द्वितीय शंका थे अयथार्थ यदि अनधिकरण को लेकर के, अयथार्थ वृत्तित्व अनधिकरण कहो यथार्थ वृत्तित्व भावाधिकरण कह दो, अत्यंत भावाधिकरण को बात एक ही है, वो अर्थ लोगे कहते वो भी ठीक नहीं है, अयथार्थ यदि अयथार्थ वृत्तित्व भावाधिकरण तुम कहो भी नहीं, अत्र दुष्ट सामग्री अप्रसूत मात्र वृत्तित्व उपाधि न च साध्यन व्यापकता, साधन व्यापकता नहीं है, दुष्ट सामग्री प्रसूत ग्रहण स्मरण और भी ज्ञानत्व से वृत्ते है, साधन की अव्यापकता कहने का मतलब क्या, साधन की व्यापकता नहीं होती, साधन का अव्यापक, साध्य व्यापक भी है साधन का अव्यापक भी है, साधन की अव्यापकता कहाँ देगा उसने, दुष्ट सामग्री प्रसूत ग्रहण जो और स्मरण और भी ज्ञानत्व से वृत्ते है, वाज्ञानत्व वृत्ति रहता है। व्यवहारत्व सत्वादिना व्यतिरेक सिद्धि, और व्यवहार सत्वादि के द्वारा इनका व्यतिरेक को भी सिद्ध कर सकते हो, व्यतिरेक माने जहाँ उपाधि का अभाव है वहाँ साध्य का भी अभाव है, जैसे स्थल आदि व्यवहारत्व सत्व आदि में उपाधि का अभाव है तो साध्य का भी अभाव है। मातृग्रहण तो व्यर्थम एवं विषम व्याप्तेरपि उपाधित्वात्, कि मातृग्रहण जो किया उपाधि देह में वह व्यर्थ ही है, इसमें भी हम लोग जो ले रहे हैं ना दुष्ट सामग्री प्रसूत मात्र उपाधि में जो मात्र शब्द है वास्तव में उसकी भी जरूरत नहीं थी, ये सिद्धांत अपने तरफ से लीलावती के कार के खिलाफ।
लीलावती का मात्र शब्द दे दिया था, उसके खिलाफ एक नहीं, वास्तव में वहाँ मात्र शब्द की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं जी? क्यों? क्योंकि विषम व्याप्ति रूपी उपाधित्व, विषम व्याप्ति को भी तो उपाधि बना सकते, कोई समव्याप्ति होना हमेशा उपाधि जरूरी है। यत्र उपाधि भाव तथा साध्य भाव, यत्र साध्य भाव तथा उपाधि भाव, दोनों तरफ उल्टा सीधा करने पर बनेगा हम समव्याप्ति, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे यत्र धूमा तत्र वन्नी, यानी यत्र वन्नी तत्र धूमा नहीं है, विषम व्याप्ति भी होता है और साध्य तो माना गया उसको धूम को, तब तो यहाँ पर भी सदुपाधि मानने में कोई दोष नहीं है। विषम व्याप्ति बन जाए अभावों का तो भी उपाधि सदुपाधि ही रहेगी, असद उपाधि नहीं हो जाएगी। विषम व्याप्ति रि उपाधित्वात्, समव्याप्ति विषम व्याप्ति का लक्षण भी उन्होंने किया है, उन लोगों ने तार्किकों ने, समव्याप्ति किसको कहते हैं, विषम व्याप्ति किसको कहते हैं, ये सब उन लोगों ने अच्छी तरह से शंकर मिश्र के द्वारा मीमांसा में भी चर्चा हुआ है, केवल नया एक नहीं मीमांसा भी मानते हैं, समव्याप्ति समव्याप्ति दोनों मानते हैं। नहीं माने धूम सड़ित बिगड़ जाएगा ना, प्रसिद्ध जो पर्वतों पर निमान धूमा तो चौपट हो जाएगा, मानना ही पड़ेगा विषम व्याप्ति। इसीलिए तत्रोपादे है। अब आइए आगे, किंच उभयोरप्य अनुमान हो साध्यगत यथार्थ शब्द से को अर्थ, दोनों अनुमान आपने बना लिया, पहले इदम रचम इत्यादि ज्ञानों को लिया, उसमें आपने क्या यथार्थ मात्र वृत्तित्व हेतु दिया आपने, इसलिए यहाँ दूसरा किया आपने ज्ञानत्वम यथार्थ मात्र वृत्ति ज्ञान मात्र वृत्तित्वाद करके दूसरा अनुमान कर दिया। दोनों में हम आपसे पूछना चाहेंगे साध्य का जो यथार्थ शब्द है उसका अर्थ क्या है, सत्तम वा उत असत्व्यावृत्तत्व, यथार्थ का मतलब सत्य, सत्य है वो ये कहना चाहते हो, या असत से भिन्न असत्व्यावृत्त, दूसरे में तो वेदांत हो जाएगा, हम भी असत्व्यावृत्त मानते हैं। इति विकल्प क्रमेण दूषयति, क्रम से दूषित कर रहे, देखो यथार्थ शब्द ने जो सदर्थ व्यवक्षायाम नायम सर्प इत्यादि बाध विरोधात तुच्छ व्यावृत्तार्थ व्यवक्षायाम चमान प्रतिषिद्ध साधनत्वा, यथार्थ शब्द यदि सदर्थ व्यवक्षा करोगे तो नायम सत्य बाध का विरोध हो जाएगा, जो सत्य उसका बाध नहीं हो सकता, यह बाध होता है। और तुच्छ व्यावृत मैंने असत व्यावृत कहा दोगे लक्षण तो वो भी ठीक नहीं है, वैसा यथार्थ शब्द का अर्थ, क्योंकि असमान प्रतिषिध साध, हम लोग जो है जितने भ्रमस्थल का विषय है हाँ सर्प रजत आदि उनको सद असद विलक्षण मानते ही हैं। किंच अयथार्थ प्रत्ययो अस्ति इत्यस्य प्रत्ययस्य यथार्थत्वे तस्य सालंबनत्वाय कश्चित् यथार्थ प्रत्ययोपिपेय, एक और वक्तव्या का दोष भी देंगे उसको, भाई आप मानते हैं ना अयथार्थ व्यवहार हुआ, असंसर्ग का अग्रहण के कारण से अयथार्थ व्यवहार हुआ, उस अयथार्थ व्यवहार के पीछे कोई अयथार्थ ज्ञान मानोगे कि नहीं, और कहोगे अयथार्थ ज्ञानम अस्ति, ये जो आप बोल रहे हो अयथार्थ ज्ञानम अस्ति ये यथार्थ है या नहीं बताओ, यदि यथार्थ इसका विषय भी यथार्थ मानना पड़ेगा, यदि अयं घट या ज्ञान यथार्थ है इसका विषय भी आपने कहा घट यथार्थ है, फिर इस तरह से अयथार्थ ज्ञान अस्थि या ज्ञान भी यथार्थ है उसका विषय अयथार्थ ज्ञान वो भी मानना पड़ जाएगा, आपके सिद्धांत हानि हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान होता ही नहीं यथार्थ ज्ञान होता ही नहीं, ये खंडन हो जाएगा। यथार्थ प्रत्यय अस्थि इत्यस्य प्रत्यय जो ज्ञान हुआ वह ज्ञान में यथार्थत्व या नहीं बताओ, यथार्थ तस्य सालंबनत्वाय और उसको सविषय बनाने के लिए कश्चित पे यथार्थ प्रत्ययोपिपेय, कोई न कोई का यथार्थ ज्ञान नाम के विषय को मानना पड़ेगा, तथा से तत्र हेतु अनेकांतिकता, तब तो उसी में हेतु आपके अनेकांतिक हो जाएगा, साध्यावस्था में हेतु चला गया, यथार्थ मात्र वृत्तित्व नहीं है इन हेतु ज्ञान में मात्र वृत्तित्व चला गया, क्या आपने खुद ही का यथार्थ ज्ञान है वो यथार्थ तो नहीं रहेगा उसमें, सत्य नहीं है वो उसमें, लेकिन फिर आपके ज्ञान तो चला गया ज्ञान मात्र वृत्ति से, तू अयथार्थत्व और इसको अयथार्थ कहोगे तस प्रत्यक्ष कंठोक्त वे विचार, और यथार्थ करोगे तो कंठत ही आपने स्वयं ही वे विचार को प्रसिद्ध कर दिया, अयथार्थ प्रत्योस्ति यथार्थ प्रत्यो नास्ति किंतु व्यवहार मात्र पदार्था नाम संसर्ग अग्र निबंधन विधि चेत, वो कहता है अयथार्थ प्रत्यय नाम का कोई प्रत्यय होता ही नहीं, ईद से प्रत्यय नास्ती किंतु व्यवहार मात्र अयथार्थ व्यवहार मात्र है, बिना ज्ञान को व्यवहार कैसे, पदार्था नाम असंसर्ग अग्र निबंधन पदार्थों के असंसर्ग अग्र कारण का व्यवहार मात्र हो जाता है बिना ज्ञान का ही, ऐसा मान लो मई वम सर्वत्र संसर्ग व्यवहार से व्यवहारमाण पदार्थ संसर्ग ज्ञान पूर्वकत्व निबंधन नियमात, जो भी व्यवहार होगा ना संसर्ग पूर्व व्यवहार ही होगा, वो
सर्वत्र संसर्ग व्यवहारस्य, जो आप यथार्थ व्यवहार कह रहे हो व्यवहार मात्र है, और व्यवहार मात्र भी हमेशा संसर्ग पूर्वक ही होता है, असंसर्ग की व्यवहार होता ही नहीं, तो निर्विकल्प ज्ञान से व्यवहार होने लग जाएगा। निर्विकल्प ज्ञान से व्यवहार होता है क्या? सविकल्प ज्ञान का मतलब क्या? ससंसर्ग ज्ञान है, असंसर्ग ज्ञान से व्यवहार होगा। और जो संसर्ग ज्ञान मान लोगे आप, वही कह रहे हैं कि भाई देखो कि सर्वत्र संसर्ग व्यवहार से व्यवहारमाण पदा संसर्ग ज्ञान पूर्वक नियमात, वो व्यवहारमाण पदार्थों का परस्पर संसर्ग ज्ञान पूर्वक ही होता है, यह सर्वसामान्य नियम है। अरे बात कहा है न्याय लीलावती में ही पृष्ठ 421 में, और प्रभाकर भी यह बात मानते हैं, शब्द से शक्ति व्यवहारात जायते, शब्द की शक्ति भी व्यवहार से ही होता है, व्यवहार से ज्ञान होता है, ज्ञान से व्यवहार होता है। व्यवहार से कैसे ज्ञान हुआ? उन्हें दृष्टान्त मध्यम वृद्धि का अन्यथा करके दिखा रहे, देखो अन्यथा मध्य वृद्धि व्यवहार अपि असंसर्ग अग्रादेव तदुपपत्तेर पित्सो संसर्ग ज्ञान अनुमान अभावात शब्द प्रामाण्य भंग प्रसंग, शब्द प्रामाण्य तो भंग हो जाएगा कि गुरु ने कहा शिष्य को, और एक नया बालक आया है उसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो बैठा हुआ है अप्रबुद्ध, उसको कहा जाओ चल मानय, वो गया, या गाँव आने ये बोला गया, गाय को ले आया, वो समझ रहा है गाँव आने इस वाक्य का अर्थ है गाय लाना। अभी उसको पता नहीं गाँव शब्द का अर्थ गाय है, आने शब्द का अर्थ लाना, ये उसको मालूम नहीं है। इतना वाक्यार्थ ग्रहण कर लिया, इन्होंने जो दो शब्द बोला है उसका समुचित अर्थ क्या है? गाय लाना। काम आने का गाँव नया कह दिए, तो वो समझता है गाम नया इस वाक्य का अर्थ हो गया गाय ले जाओ। अब वहाँ वो करेगा बैठे बैठे, इन दोनों में एक सामान्य शब्द है गाँव, गौ गाम शब्द है, इसका मतलब और क्रिया में विपरीत हुआ, आना और जाना हुआ है। वो वहाँ वो करेगा, मैंने वो जो आया उसको उन्होंने आने शब्द से बोला है, जो गया वो नए शब्द से कहा गया है, और दोनों क्रिया जिसमें अनुवित्ता वो गौ शब्द का गाय है, ऐसे वो व्युत्पत्ति कर लेता है, अनुमान करता है बच्चा, संसर्ग ग्रहण करता है। अथवा इसे और ढंग से लेते हैं, घटम मान या घटम नया बोलेंगे, गा मान या गाम नया, घटम मान या घटम नया, ऐसे बोल दिया, अब उसको और भी वहाँ पोकरने में सुविधा हो गया, गौ घट का उत्पादन मान गया। इस तरह से वहाँ पो के माध्यम से अनुमान करता है बच्चा, इस शब्द का इसमें ही शक्ति है, इसको व्यवहारत शक्ति ग्रहण कल्पित होता है ना, आठ प्रकार व्यवहार बताया था शक्ति ग्रहण का, व्यवहारत शक्ति ग्रहण यही है, वो तुम्हारे मध्य और खंडित हो जाएगा। अन्यथा मध्यम वृद्ध व्यवहार अपि असंसर्ग अग्रह देव, वहां भी असंसर्ग अग्रह पूर्व व्यवहार कर लेगा बच्चा। यदि व्यवहार को संसर्ग ग्रहण जरूरत नहीं कहते हो, बिना संसर्ग ग्रहण किए बच्चे को ज्ञान हो जाना चाहिए फिर साहब। असंसर्ग ग्रहादेव तदुपत्ते वित्पित्सो हो, मैंने वित्पत्ति को चाहने वाला जो बच्चा वह संसर्ग ज्ञान अनुमान, वो संसर्ग ज्ञान का अनुमान क्यों करेगा? अभावात शब्द प्रामाण्य भंग प्रसंग, शब्द में जो प्रामाण्य था उसने अनुमान करके निर्णय कर ले रहा था, वो समाप्ति हो जाएगा। एवं अनुमान आभास ही वह सद अनुमान असंसर्ग ग्रहादेव, जैसे अनुमान आभासों में संसर्ग असंसर्ग ग्रहण होता है, इसलिए यहाँ पर भी सद अनुमानों में भी असंसर्ग ग्रह देव व्यवहार कर लो, अनुमान का भी उच्छेद हो जाएगा। फिर संसर्ग व्यवहार उपपत्ते अनुमान उच्छेद स्यात् प्रतिविज्ञा प्रामाण्य उच्छेदश्च, प्रत्येक प्रामाण्य का उच्छेद हो जाए इसी प्रकार से, जैसे ज्वालेकत्व व्यवहारवत ज्वालेकत्व व्यवहार संसर्ग ग्रहण पर हो रहा है, व्यवहार तो हो ही रहा है, ये सर्वत्र प्रतिविज्ञायाम असंसर्ग ग्रह देव, सर्वत्र प्रतिविज्ञाओं में असंसर्ग ग्रह से ही संसर्ग व्यवहार उत्पन्न हो जाएगा, तो सकल व्यवहार को प्रमाणित उच्छेद हो जाएंगे। ये आपत्ति दिया सिद्धांती ने।